राजाबाद ट्रस्ट की ओर से एक कर्मचारी को नोटिस भेजने के बाद कर्मचारी को हार्ट अटैक आया, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। जिस संदर्भ में वहां की कर्मचारियों ने सकरतरा पुलिस थाना अंतर्गत निवेदन सौंपा है। इस मसले को हल निकलने के उद्देश्य से रविवार को सकरतरा पुलिस थाने में ताजाबाद के ट्रस्टी और कर्मचारी संगठन के बीच सुलह मीटिंग बुलाई, जिस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार ताजबाग में शहजाद खान नामक कर्मचारी को ताजबाग के ट्रस्टियों द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी और वो नोटिस मिलने के बाद शहजाद खान को हार्ट अटैक आया, ऐसा उसके परिजनों का कहना है। इसी सिलसिले में बाकी कर्मचारियों की ओर से भी सकरदरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते रविवार को सकरदरा पुलिस थाने में ट्रस्टी और कामगार संगठन का समझौता हो इस उद्देश्य से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। ताजबाग में एक कर्मचारी जो शहजाद खान करके है, उनको वहाँ के ट्रस्टियों द्वारा एक नोटिस दी गई थी और वो ट्रस्टीज वो नोटिस देने के बाद उनको अटैक आया, ऐसा उनके घरवाले लोगों का कहना है। वो अभी एडमिट है, तबीयत उनकी स्थिर है, डॉक्टर से मिल के आए हैं और वही विषय में जो बाकी कर्मचारियों ने भी एप्लीकेशन दिया था सकरदरा पुलिस स्टेशन में कि उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये वो बातें सब चीज़ें लिखी थी उन्होंने, तो वो विषय में आज ट्रस्टी और जो संगठना है कामगार संगठना उनकी मीटिंग हमने पुलिस स्टेशन में आयोजित करके दोनों में चर्चा करवाई और चर्चा से पॉजिटिव हल उसमें निकला है और सब कर्मचारियों को चेयरमैन और ट्रस्टी इन्होंने एश्योरेंस दिया है और अभी वहाँ शांतता है, कोई भी गैरकानूनी कृत्य को साथ न देने के लिए सबको बताया गया है और यही सब्जेक्ट है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और दोनों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ निशा हटवार, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।